हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे सिल्वर फ्यूचर फॉर नेक्स्ट वीक। सो स्टार्ट विद मंथली चार्ट। तो लास्ट क्लोजिंग हमने सिल्वर की देखी 62,988 पे, लगभग 278 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। हाफ ए परसेंट का लॉस देखा हमने फ्राइडे के दिन। तो यहाँ सिल्वर जो है तो एज कम्पेयर टू गोल्ड थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो देखते हैं चार्ट पे क्या दिखता है। तो स्टार्ट विद मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि सिल्वर जो है तो लगभग 2000 रुपीस अप ट्रेड कर रहा है 3.3% फॉर दिस मंथ। और लास्ट मंथ जो है तो हमने अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखा था, मगर लॉस के साथ बंद हुए थे, लगभग 2.5% लॉस के साथ। अभी इस मंथ जो है तो वो लॉस कवर करके हम जो है तो गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ जो है तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे अर्ली रिवर्सल साइन है, अभी तक कन्फर्म नहीं हुए, क्योंकि ये जो है जब तक हम ऊपर के हाई नहीं तोड़ते तब तक ये रिवर्सल कंफर्म नहीं होगा। मगर यहाँ जो है तो अर्ली रिवर्सल साइन दिख रहे हैं। सो देखते हैं अभी वीकली चार्ट पे कैसा दिख रहा है सिल्वर। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो ब्रेकडाउन दिया था, मगर ये जो लेवल है ये टूट नहीं रहा है सिल्वर से। और यहाँ से हम जो है कंटिन्यूस बाउंस बैक ले रहे हैं, वो है 60,500 का लेवल, 60,500 से 300 का लेवल। तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक आ रहा है। तो यहाँ अच्छी खासी डिमांड है सिल्वर में। तो यहाँ मुझे लगता है कि हम जो है तो शायद ब्रेकआउट के लिए तैयार हैं। और यहाँ कम से कम हम 66,500 का लेवल जो है तो सिल्वर में देख सकते हैं। अगर वो टूट गया तो हम 71,000 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट में अभी रिस्क ऑफ ट्रेड चल रहे है इक्विटी मार्केट में, तो उसकी वजह से बुलियन में जो है तो बुलियन को सपोर्ट मिल सकता है और ऊपर के लेवल आ सकते हैं। तो वीकली चार्ट पे जो है तो जब तक सिल्वर 60,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको लॉन्ग ट्रेड बनाने हैं। और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 66,500 का। अगर वो टूटता है तो हम शायद 71 तक भी जा सकते हैं, मगर उसकी संभावना बहुत कम है। मगर कम से कम 66,500 के लेवल तो बिल्कुल हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ भी लॉन्ग व्यू है, मगर आपको जो है तो 60,500 के करीब खरीदना है अगर आपको मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना है सिल्वर में। तो अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो है तो ऑलरेडी हम ब्रेकआउट कर चुके हैं सुपर ट्रेंड के। और अभी जो है तो हमने जो 200 डेज का एवरेज है उसको टेस्ट किया, तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। पिछली बार तोड़ने की कोशिश की थी और तोड़ भी दिया था, मगर यहाँ ओवरबॉट हो चुके थे, तो उसकी वजह से अच्छा खासा सेलिंग आया और फिर से हम जो है तो प्रीवियस डबल बॉटम यहाँ बनाया। तो यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि इस बार अगर 600 या 700 का लेवल पकड़ लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर सिल्वर जाता है तो आपका जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 65,500 और उसके बाद में जो रहेगा वो 67,700 के टारगेट हमें सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ रनअवे रैली रहेगी, वोलेटिलिटी एट द पीक रहेगी, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। मगर आप जो है तो उसको लॉट साइज कम करके या फिर मिनी में ट्रेड करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए सलाह रहेगी, सिल्वर पे हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे। हमारा एंट्री एरिया रहेगा 62,300 के अराउंड के हम एंटर करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 61,500 के नीचे रहेगा। जो स्विंग टारगेट रहेगा मेरा, पहला टारगेट रहेगा 65,600 का और उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 67,600 का। तो आपको लॉन्ग व्यू पकड़ के चलना है सिल्वर पे, बाय ऑन डिप्स। स्टॉप लॉस रहेगा 61,500, टारगेट रहेंगे 65,600 से लेकर 67,700 के। ये टारगेट जो है तो स्विंग टारगेट है और ये आने में 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। तो यहाँ हमारा लॉन्ग व्यू रहेगा लॉन्ग, और जैसे या फिर आप जो है तो ये ब्रेकआउट होने के बाद भी ले सकते हो, मगर मैं जो मोस्टली नीचे के लेवल पे खरीदना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाता है। अगर यहाँ खरीदो तो आपका स्टॉप लॉस तो यही रहेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता है उस पोजिशन में। इसीलिए मैं ब्रेकआउट ट्रेड मोस्टली फॉलो नहीं करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ बाय एट द डिप्स एंड सेल एट द टॉप। क्योंकि आप टॉप पे सेल करते हो सकता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, मगर आपका स्टॉप लॉस छोटा बनता है और आपको टारगेट बड़े मिलते हैं। और उसमें मल्टीपल स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, मगर छोटा स्टॉप लॉस होने की वजह से आप मल्टीपल ट्रेड ले सकते हो। ब्रेकआउट पे आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो बहुत ही बड़े रहते हैं, इसकी वजह से मोस्टली आई डोंट फॉलो ब्रेकआउट ट्रेड्स, आई फॉलो बाय चिप्स एंड सेल हाई। तो यहाँ लॉन्ग ट्रेड लेंगे हम सिल्वर में, बाय ऑन डिप्स। स्टॉप लॉस रहेगा 61,500 के नीचे, टारगेट रहेंगे 65,600 और उसके बाद में 67,600 के या फिर 700 के टारगेट पकड़ के चलेंगे।
तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।